हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो दिस इज गोइंग टू विल लेक्चर टेन फ्रॉम कंप्लीट बॉटनी सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं डायकॉट और मोनोकॉट सीट के बारे में सो वी विल सी इन डिटेल की डायकॉड और मोनोकॉट सीट का बेसिक क्या होता है कैसे डायकॉट और मोनोकॉट सीट एक दूसरे से डिफर करते हैं सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बॉटनी डायरेक्टली आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन इन डायरेक्टली और इन द ऑप्शन एलिमिनेशन ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा सो एज वी नो जो एनजियोस्पॉम्स हैं वो हमारे सीडेड प्लांट्स होते हैं एंड सीड ऑफ एनजियो इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वन इज द डाईकॉट सीड एंड इज द मोनोकॉट सीड सो इनका जो नॉमन क्लेचर है डाई कॉट एंड मोनोकॉट क्यों किया गया है बिकॉज इट हैव वन कॉटिलेडन एंड टू कॉर्टिलेडन सो नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेसिस पे हमारा जो सीड है एनजीओ स्पॉम में वो डिवाइडेड होता है इफ इट हैज टू कॉटिलेडन डाई मीन्स टू एंड कॉट मीन्स कॉर्टिलेडन तो हम उसको बोलेंगे डायकॉट सीड अगर हम मोनोकॉट सीड की बात करें देर इज

क्वार्टिलिडन स्टेज होती है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा डाईकॉट के सीड सीट में दो कॉटेलिडन होते हैं हमेशा और इन मोनोकॉट वी हैव ओनली वन क्वार्टेलेडन अगर हम बात करें मोनोकॉट सीड की तो मोनोकॉट सीड का ये हमारा स्ट्रक्चर है और उसके कुछ कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं जो स्पेसिफिकली मोनोकॉट सीट में ही प्रजेंट होते हैं तो हमारा जो मोनोकॉट सीट होता है हमारा जो मोनोकॉट सीट होता है वो एंडोस्पामिक होता है और एल्ब्यूमिनस सीट होता है तो एंडोस्पामिक मीन्स इट पोजेस द एंडोस्पाम तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मोनोकॉट के केस में जो एंडोस्पम है वो मेजर पोर्शन कवर करता है सीट का सो व्हाट इज एंडोस्पाम सो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी से बट एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने देखा है जब भी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन के लिए जाती है तो पोलन ट्यूब में दो स्पर्म होते हैं और यहाँ पे हमारा जो ओव्यूल है उसके अंदर भी हमारा एक एक्सेल होती है और दो पोलर न्यूक्लाई होती हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होती है तो एक स्पर्म हमारा फ्यूज़ करता है एक्सेल के साथ अगर स्पर्म रिलीज होते ही तो यहाँ पर जो हमारा स्पर्म एक्सेल के साथ फ्यूज़ करेगा वो बनाएगा जयगॉट जिसका जो प्लॉयडी कंडीशन होगा वो होगा टू तो हमारा यहाँ पर जयगॉड जो होगा टू होगा और जो दूसरा स्पर्म है वो माइग्रेट करके फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लिया के साथ और ये बनाएगा एंडोस्पॉम सो जिसकी फ्लोयडी थ्री एन होती है बिकॉज वी हैव टू टू स्पॉम वन एन 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 जो एक के बनाएगा एग के साथ फ्यूज करके और दूसरा जो स्पर्म है वो हमारे दो पोलर न्यूक्लिया के साथ करेगा फ्यूज जिसमें हमारा हेप्लॉइडी कंडीशन होगी एन एन प्लस एन तो यहाँ पे थ्री एन कंडीशन होगी सो दिस इज आवर एंडोस्पर्म सो दिस इज हाउ एनजोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है सो so अगर हम बात कर रहे थे कि मोनोकॉट का सीट एंडोस्पामिक होता है तो ये एंडोस्पम बल्की है मींस काफ़ी पार्ट कवर अप कर रहा है मोनोकॉट सीट का और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो करता है स्टोरेज ऑफ फूड तो एंडोस्पम में हमारा फूड रिजर्व मटीरियल्स टोर्ड होता है और जब भी हमारा मोनोकॉर्ट सीड जर्मिनेट करेगा तो डेवलपिंग सीडलिंग को और जर्मिनेटिंग सीड को जो भी फूड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू एंडोस्पाम तो यहाँ पर एंडोस्पाम के थ्रू डेवलपिंग सीडलिन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा इसलिए हम इसे एंडोस्पामिक सीड बोलते हैं बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इट विल बी आस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन की मोनोकॉर्ट सीड में कौन से ऐसे मोनोकॉट सीड हैं जहाँ पर एंडोस्पाम अपसेंट होता है वो नै नॉन एंडोस्पामिक होते हैं तो अगर हम नॉन एंडोस्पामिक मोनोकॉट सीड की बात करें तो हमारा जो ऑर्किड है ये एक मोनोकॉर्ड है अल्सीमा एक मोनोकॉर्ड है इन दोनों के ही जो सीड हैं वो हमारे होते हैं नॉन एंडोस्पोमिक सो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो नॉन एंडोस्पामिक मोनोकॉट सीड क्या होता है सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें मोनोकॉट सीड की तो यहाँ पे एक एलोरॉन लेयर होती है सो so, एंडोस्पाम एक लेयर से कवर्ड होता है आप येलो कलर की लेयर देख सकते हैं जो एंडोस्पाम को कवर कर रही है इसको हम बोलते हैं एलोरॉन लेयर सो दिस लेयर इज़ रिच इन प्रोटीन एंड इट ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम्स लाइक अमाइले सो दिस एंजाइम विल बी रिलीज फ्रॉम दिस लेयर एंड इस एंजाइम से जो भी फूड मटीरियल है वो डाइजेस्ट होगा एंड इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीडलिंग तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एलोरॉन लेयर है वो रिच इन प्रोटीन होती है देन थर्ड हमारा जो पार्ट है मोनोकॉट सीट का हमें पता है कि इसमें एक कॉर्टिलिडन होता है और लार्ज कॉर्टिलेटन को हम होते हैं स्क्यूटेलम सो so, यहां पे आप देख सकते हैं स्क्यूटेलम तो स्क्यूटेलम जो है सीट का हमारा कॉटिलेडन है और ये वन साइड ऑफ सीड मतलब ये पूरा सीड है इसके सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता ये स्क्यूटेलम ये वन साइड को प्रेजेंट होता है तो ये दिस इज द वन कॉटिलेडन और यहां पे जो कॉटिलेडन के अलावा हमारे पास होता है प्लीम्यूल एंड रेडिकल सो दिस इज द प्लीम्यूल दिस इज द रेडिकल सो प्लीम्यूल का क्या फंक्शन होता है इट विल रेडिकल हमें कन्फ्यूजन होता है कि रेडिकल क्या गिव राइज करता है और प्लेम्यूल तो आपको सिंपली याद रखना है रेडिकल गिव राइज रेडिकल एंड आर मींस रूट एक का फंक्शन अगर आपको याद रहेगा तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं कि प्लीम्यूल देन हमारा जो मोनोकोट सीड है वहाँ पे जो प्लीम्यूल और रेडिकल है इनकी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है अगर हम प्लीव्यूल को जो पार्ट कवर करता है उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल और अगर जो रेडिकल को कवर अप करता है जो इनक्लोज करता है रेडिकल को हम उसे बोलते हैं कोलियोराइजा तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है रेडिकल आर जहाँ पर आ गया कोलियोराइजा दैट विल भी कवरिंग द रेडिकल एंड कोलियोप्टाइल जहाँ पर पी आ रहा है इट विल भी कवरिंग द प्लीम्यूल तो दिस इज़ वेरी सिंपल हमारा जो मोनोकॉट सीड है उसमें प्लीम्यूल है उसका फंक्शन आपको समझ आ गया रेडिकल है स्क्यूटेलम है एंडोस्पर्म है एलोरॉन लेयर है और यहाँ पे अगर हम सीड कोड की बात करें तो जो सीड कोड है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेरिकाप uh, बोलते हैं द फ्यूजन बिटवीन सीड कोट एंड द फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकाप इन केस ऑफ मोनोकॉट तो यहाँ पे पेरिकाप प्रेजेंट होता है एज अ सीड कोट तो यहाँ पे सबका फंक्शन आपको समझ आ गया एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रीशन स्क्यूटेलम इज अ अटेलेडन प्लीमूल विल गिव राइज टू द शूट रेडिकल विल गिव राइज टू the root coluriodia and coleoptile will encloses the plumule and radical and alulon layer will contain some enzyme and it is a protein rich and the seed wall is a seed coat plus fruit wall fusion that is known as pericarp so this is a basic about monocot seed अब अगर हम डाइकॉट सीट को बात करें तो यहाँ पे जो डाइकॉट सीट रहता है ये हमारा नॉन एंडोस्पामिक रहता है यहाँ पे एंडोस्पाम नहीं प्रेजेंट रहता है यहाँ पे दो कॉर्टेलेडन प्रेजेंट होते हैं सो दीज आर टू कॉर्टेलिडन यहाँ पे भी सिमिलरली प्लीम्यूल होगा एंड रेडिकल होगा जिसका बेसिक फंक्शन आपको क्लियर है कॉर्टेलेडन हमारा फ्लैशी होगा और यहीं पर इन केस ऑफ मोनोकॉट एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पर के केस में जो फूड रिजर्व रहता है वो हमारे कॉडिलेडन में रहता है इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीडलिंग और जर्मिनेटिंग सीड और अगर हम सीड कोड की बात करें तो इन केस ऑफ मोनोकॉट यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं रहेगा सीड कोर्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है द आउटर वन इज टेस्टा एंड द टैगमैन इज इनर वन सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लम्यूल यहाँ पे है जो रेडोमेंट्री लीव्स के साथ है यहाँ पे एपिकोटाइल है जो ऊपर वाले पोर्शन को <coughs> ऊपर वाले पोर्शन में एपी रहता है नीचे वाले पोर्शन में हाइपोकोटाइल रहता है हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल रहता है आपको याद रखना है कि हाइपोकोटाइल कहाँ पे है एपीकोटाइल कहाँ पे है टेस्टा क्या है टैगमेन क्या है टेस्टा इज द आउट आउटर लेयर ऑफ सीड कोट एंड टैगमेन इज द इनर लेयर ऑफ सीड कोट यहाँ पे जो हमारे दो कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं और हमारा जो डाइकऑट सीड है वहाँ पे एक स्कार प्रेजेंट होता है दिस इज़ दैट स्कार इसको बोलते हैं हम हीलियम सो so यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ से सीड जो है फ्रूट फ्रूट पे अटैच रहता है और जब इसे हम जो फ्रूट है उससे रिलीज होता है सीड तो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है तो ये स्कार जो है हीलियम की वजह से रहता है और अगर हम एंडोस्पर्मिंग डकॉट सीड की बात करें जैसे हमने मोनोकॉट के केस में एक्सेप्शन देखा था कि वहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड थे वैसे ही डाकॉट के केस में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं तो ये हमारा पेपर के केस में देखा जाता है एंड कैस्टर दैट इज रिसिनस कम्युनिज विच इज अ डाईकॉट बट इट डज नॉट कंटेन इट डज नॉट हैव नॉन एंडोस्पामिक सीड इट हैज़ अंडोस्पाम इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोस्पामिक डायट तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन से याद रखना है एंड मोनोकॉट एंड डाईकॉट सीड के जो भी पार्ट्स रहते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने नाव विल सी आर डिफरेंस बिटवीन डाकॉट एंड मोनोकॉट सीड तो मैंने बताया था कि डाइकॉट सीड में एक डिस्टिंट फ्रूट वॉल होती है जबकि हमारा मोनोकॉट सीड में जो फ्रूट वॉल है वो फ्यूज होती है विद द फ्रूट वॉल सीड कोर्ट इज फ्यूज विद द फ्रूट वॉल दैट इज़ पेरी काफ और यहाँ पर टेस्टा और टैगमन होता है यहाँ पर टू कॉर्टेलिडन है सिंगल कॉर्टेलीडन नॉन एंडोस्पामिक एंडोस्पामिक नो प्रोटेक्टिव शीत ऑफ प्लीम्यूल एंड रेडिकल यहाँ पर प्लूमिल और रेडिकल को कोई भी कोल्योराइजाइन कोलिप्टाइल कवर नहीं कर रहा है जबकि यहाँ पर कोलियोराइजाइन कोलिप्टाइट प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा एलिरोन लेयर एबसेंट है इन केस ऑफ मोनोकॉट एलिरोन लेयर प्रेजेंट होता है अगर हम डायकोट सीड की बात करें तो यहाँ पे बीन एंड ग्राम आ जाता है और राइस और वीट हमारे मोनोकॉट रहते हैं तो ये मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल हैं सो दिस इज द बेसिक अबाउट डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू आपका जो सी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू वॉन्ट अनदर टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो